दोस्तों, तो कैसे हैं आप दोस्तों? आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो बहुत ही यूज़फुल चीज़ें हर मोबाइल में, वो बहुत काम की चीज़ें, तो उसके बारे में बताने वाला हूँ। आपने देखा होगा आजकल हर आदमी के पास मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है। हर आदमी कहीं भी जाता है, फ़ोटोज़ खींचता है एंड उसको सोशल मीडिया पर अपलोड करता है। तो सोशल मीडिया से अपलोड करने से पहले वो उसको एडिट करता है ताकि वो और अच्छी लगे फ़ोटो। तो आज उसी से रिलेटेड बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी ऐप्स बताने वाला हूँ, 5 ऐसी ऐप्स बताने वाला हूँ आपको एंड्रॉयड मोबाइल्स के लिए, जो कि बहुत ही अच्छे फ़ोटो एडिटर हैं, तो उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल एसेटेक्स। तो फोटोज़ चलते में हैं जाते दोस्तों हैं आगे। तो आप जिस फ़ोटो को एडिट करना चाहते हैं उस फ़ोटोज़ पे पहुंच जाइए। उसके बाद आप यहाँ नीचे देख रहे हैं सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है शेयर के बगल में। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा लेआउट मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर ऑटो करेंगे तो पहले तो ये ऑटो में अपने हिसाब से पहले एडजस्ट कर लेगा। उसके बाद भी अगर आप अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हैं तो ये बहुत सारे इफ़ेक्ट दिए हुए हैं, पहले आप इसमें सारे इफ़ेक्ट देख सकते हैं। उसके बाद भी अगर आप एडिट करना चाहते हैं और ज़्यादा इसमें कलर या और कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक और सेटिंग का ऑप्शन दिया है। यहाँ आप अपने हिसाब से लाइट मैनेज कर सकते हैं, लाइट कम कर सकते हैं, कलर एडजस्ट कर सकते हैं एंड देन पॉप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पर अगर आप कुछ टाइप या कुछ करना चाहते हैं, ड्राइंग या कुछ लिखना चाहते हैं पेन से, या तो आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं या फिर आप ये दूसरे पेन से लिख सकते हैं। एंड देन यहाँ पर अगर कुछ टाइप करके लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर टाइप करके भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, उसको जहाँ भी एडजस्ट करना चाहें वहाँ पर उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कलर चेंज कर एंड जो सकते हैं। दूसरा है वो है स्नैपसीड। ये भी गूगल का ही है, ये भी बहुत ही अच्छा एडिटर है। इसके अंदर आप ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, हाईलाइट्स एंड जितने भी सब कैटेगरीज होती हैं आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। उसके द्वारा फोटोज़ में और क्वालिटी डाल सकते हैं, डल को डार्क कर सकते हैं, लाइट कर सकते हैं एंड देन बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स हैं इसके अंदर। तो तो आगे आपने चलते सुना हैं होगा दोस्तों। स्नैपसीड बहुत ही अच्छी ऐप है, ये भी गूगल की ऐप है, ये भी इससे भी बहुत अच्छी ऐप एडिट होती है फ़ोटोज़। आपको करना है नॉर्मली इसको अलाउ ओपन करने के बाद आपको कोई सी भी फ़ोटो कर लेना है इसमें ओपन, जिसको आप एडिट करना चाहते हैं। लाइक मैंने इस फ़ोटो को कर लिया ओपन। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर तो पहले तो पोर्ट्रेट मोड पर उसको ले सकते हैं फ़ोटोज़ को। इफ़ेक्ट ये प्री डिफाइंड आप देख रहे हैं इसमें दिए हुए इफ़ेक्ट जैसा आप चाहते हैं, पहले तो ये आप देख लीजिए। प्री डिफाइंड में आपको जोन से भी पहले लेना है उस पर ओके करके इसको कर देते हैं एंटर। एंटर करने के बाद आप इसमें भी इजीली आप एक एक टूल्स में जाके आप इसको, आपको इतने सारे टूल्स दिए हुए हैं टून बैलेंस के लिए, आपको टून बैलेंस करना है इतने सारे। आप देखेंगे इसको ऊपर की तरफ करेंगे तो आपको दिख जाएगा लाइक ब्राइटनेस बढ़ाना है या कम करना है, कंट्रास्ट बढ़ाना है या कम करना है। तो इसमें भी बहुत सारे आप देख रहे हैं नीचे करके ये ऑप्शन आपको मिल जाएंगे जिससे आप इजीली इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और आप चाहते हैं ऑटो एडजस्ट तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो वो ऑटो भी एडजस्ट हो जाएंगे। तो टूल्स में आपको बहुत सारे दिए हुए डिटेल्स है, कर्व है, वाइट बैलेंस, कर्व, रोटेट, सिलेक्टिव ब्रश, HDR, इसके मतलब बहुत सारे फीचर्स दिए हुए हैं जो कि एक फ़ोटोशॉप्स में मिलते हैं, जिससे फ़ोटो बहुत ही क्लासिक एडिट होती है जो कि बहुत मस्त लगती है। जो दो थर्ड है दोस्तों वो है एडोब लाइट रूम। ये एडोब फोटोशॉप आता था उसका ही ऐप है एडोब लाइट रूम। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर भी आप कंट्रास्ट, हाइलाइट्स एंड देन ब्राइटनेस, लो लाइट, स्नैपचैट, जो भी जो एडिट होते हैं, जो डल डल के जो होते हैं, एंट्रेंस एंड बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, सब कैटेगरीज होती हैं, उसको मेंटेन कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। प्री सेट इफेक्ट्स भी दिए हुए हैं जिससे आप इजीली उसको इफेक्ट्स को मेंटेन कर सकते हैं एंड फोटो को लुक को बहुत अच्छा हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा एडिटर है एक दोस्तों। फ़ोटो चलते हैं आगे। ओपन, ओपन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। जो फर्स्ट टू ऑप्शन है ये प्रीमियम के लिए हैं तो ये अपने वो चलेंगे नहीं। तो ये क्रॉप, पहले तो आप क्लोज पे एडजस्ट कर लीजिए फ़ोटो को क्रॉप करना है कि नहीं करना, अपने हिसाब से फ़ोटो को पहले क्रॉप करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं करना चाहते तो नहीं करिए। तो पहले तो आप उसको क्रॉप कर लेते हैं। क्रॉप करने के बाद जो सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है प्रोफाइल, आप यहाँ पर तो प्री डिफाइंड पहले से तो इफ़ेक्ट दिए हुए हैं, आप इजीली उसको एडजस्ट कर पाएंगे। ये एडजस्ट बहुत ही लाइट एंड जो प्रीमियम जो ज़्यादा यूज़ होते हैं वैसे दिए हुए हैं तो आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं इफ़ेक्ट जो कि बहुत अच्छी लगती हैं, नेचुरल लुक देता है, ज़्यादा ओवर एडिटिंग नहीं होती, फ़ोटो बहुत अच्छी लगती हैं इससे जो इफ़ेक्ट्स हैं ये कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहते हैं इसमें ऑटो मोड पे पहले आप इसके इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं, जो पहले फ़ोटो ऐसी थी अब ऑटो में ऐसी हो गई है, और लाइट वाइट एडजस्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से उसको इजीली लाइट एडजस्ट कर सकते हैं, कंट्रास्ट, हाइलाइट्स, जो भी आप उसको अपने हिसाब से बढ़ाना चाहते हैं तो ये बढ़ा सकते हैं। बहुत अच्छी फ़ोटो एडिट होती है इसे। आप यहाँ पर आएंगे
इसका वाइब्रेंस बढ़ा दी है, तो आप देखेंगे पहले फ़ोटो कैसी लगी थी ऐसी, अब उसके बाद कलर लगने के बाद इफ़ेक्ट्स कितना प्यारा है। तो इससे बहुत ही अच्छी फ़ोटो एडिटिंग होती है और बहुत हाई क्वालिटी में फ़ोटो सेव होती हैं। सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर शेयर पे क्लिक करेंगे एंड देन आपको कर देना है सेव टू डिवाइस, और सिंपली फ़ोटो सेव हो जाएगी बहुत अच्छी क्वालिटी में। ऐसा नहीं लगता कि फ़ोटो नॉर्मल आपने मोबाइल से एडिट करी, ऐसा लगता है कि आपने सिस्टम से एडिट करी और बहुत ही नेचुरल दिखती है और ना ओवर एडिटिंग दिखती है, तो बहुत अच्छी ऐप है। एंड देन तो फोर्थ है फोटो एडिटर प्रो, ये भी बहुत क्लासिक ऐप है। इसको जो नए ट्रेंडिंग इफेक्ट्स आते हैं ना उसके लिए तो बहुत ही अच्छा ऐप है। जो नए इफेक्ट चलते रहते होंगे ट्रेंडिंग पे, आपने देखे होंगे कुछ सोशल साइट्स पे कहीं भी, तो उसके लिए यह बेस्ट ऐप है। इसके अंदर बहुत सारे प्री इंस्टॉल इफेक्ट्स दिए हुए हैं, तो आप सिंपली उसको फ़ोटो पे कर्व कर सकते हैं और फोटो पे अपलोड कर सकते हैं, जिससे और भी फोटो बहुत ही अच्छी हाईलाइट्स लगती है। तो ये भी बेस्ट ऐप जो कि है पोलिश, उसको नाम बोलते हैं फोटो एडिटर प्रो, जो कि बहुत ही अच्छी ऐप है। आप गूगल पे इसमें लिखना है फ़ोटो एडिटर प्रो तो आपको ये मिल जाएगा। इसको मिलने के बाद आपको ऐसा यहाँ पर इंटरफेस दिखाएगा, सबसे पहले आपको कर लेना है फ़ोटो को सिलेक्ट। यह जो नया इफेक्ट आपको दिख रहा है ट्राई नैनो इफेक्ट, जो कि बहुत ही अच्छे इफेक्ट्स हैं अगर आप फ़ोटो एडिट करना के अच्छे शौक रखते हैं तो, बहुत ही अच्छी है एडिट करने के लिए। लाइक मैंने ये फ़ोटो सेलेक्ट कर ली, आप देख रहे हैं फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद ही आपको नीचे इफेक्ट दिखना चालू हो गए। आप कोई सी भी फ़ोटो पर जैसे ये इफेक्ट अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे भी चाहते हैं आप, लाइनें हो गई, ये राउंड्स हो गए, ये बहुत ही अच्छे वाले इफेक्ट्स दिए हुए हैं जो आजकल रनिंग है, आप देख रहे हैं। ये आप जैसा चाहें वैसे अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं फ़ोटो में। तो बहुत सारे दिए हुए हैं ये, फ़नी लोग, साइन लोग एंड देन बहुत सारे। देन फिफ्थ वन, लास्ट वन जो कि मेरा फेवरेट है, पिक्सआर्ट, जो ऑल टाइम फेवरेट से मेरे को बहुत पसंद है। इसके अंदर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, स्टिकर बना सकते हैं, फ़ोटो को कट कर सकते हैं एंड ड्राइंग कर सकते हैं, इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं एंड देन बहुत कुछ है इसके अंदर, आप बहुत कुछ कर सकते हैं इस ऐप के अंदर। तो आगे चलना क्या है, आपने ओपन कर ली फ़ोटो, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एफएक्स इफ़ेक्ट्स, तो ये आपको बहुत सारे यहाँ इफ़ेक्ट्स मिल जाएंगे जो कि कुछ पैड हैं, कुछ फ्री हैं। जो फ्री वाले हैं वो भी बहुत बेस्ट हैं, आप देख रहे हैं ये जो रिसेंटली मैं यूज़ कर चुका हूँ, तो ये बहुत सारे ऐप बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हैं जो कि बहुत बेस्ट लगते हैं। ये आपको फर्स्ट बार अगर आप करेंगे तो आपको ये डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर आप स्केच वाला आर्टिस्ट ले सकते हैं, ब्लर कर सकते हैं फ़ोटो को, फोकस जूम कर सकते हैं आर्टिस्ट से, ऑयल पेंटिंग ये अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं, बहुत सारे उनके मैजिक्स वाले ट्रिक के या मैजिक्स वाले इफ़ेक्ट्स दिए हुए हैं अलग से इफ़ेक्ट्स, जो कि पहले बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ गए थे और अभी भी चलते हैं, तो उसके लिए बहुत मस्त बेस्ट ऐप है, पॉप आर्ट कर सकते हैं एंड इफ़ेक्ट्स तो बहुत बेस्ट हैं। उसके बाद आप बाहर आके यहाँ पर ब्यूटी से एडिट कर सकते हैं, स्टिकर डाल सकते हैं, कट कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं एंड देन ड्राइंग कर सकते हैं, इफ़ेक्ट्स लेंस डाल सकते हैं, बहुत सारे इसमें चीज़ें दी हुई हैं। मेरी वीडियो कैसी लगी तो दोस्तों ज़रूर बताएं, और इस वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो करना ना भूलें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।